मार्च फॉर मेवात जामिया टू हरियाणा भवन, इस नाम से जामिया के स्टूडेंट और तमाम जो सहयोगी स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र हैं वो आज जामिया से हरियाणा भवन तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले थे। इनका कहना था कि नू में जो हिंसा हुई है उसमें जितनी एफआईआर निर्दोष लोगों पर दर्ज की गई है वो निर्दोषों के ऊपर से एफआईआर हटाई जाए, निर्दोष लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए और इसके अलावा 28 अगस्त को नू में होने वाली धार्मिक यात्रा पर रोक लगे, मोनू मानेसर को गिरफ्तार हो और जो बुलडोजर के जरिए घरों को जमींदोज किया गया है उन घरों को दोबारा बनाया जाए। इसको लेकर के आप देखिए कि यहाँ दोपहर में जामिया के गेट पर जो तमाम छात्र संगठन है जिनमें आईसा, TISSC, इसके अलावा MSF, मेवात स्टूडेंट यूनियन, NSUI, SFI और SIO नाम के जो संगठन है छात्रों के, उनके छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन छात्रों की मांग है कि यहाँ जो भी नू में हिंसा हो रही है और निर्दोषों के ऊपर जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उसको रोके। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई, ये प्रोटेस्ट हरियाणा भवन तक जाना था लेकिन देखिए गेट बंद कर दिया गया है जामिया यूनिवर्सिटी का और यहाँ बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगा दिया है। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल जामिया के प्रमाइसेस के अंदर ही ये स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको फिलहाल बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट मार्च की परमिशन नहीं दी थी और इसीलिए जामिया के गेट को बंद कर दिया गया है और अब जो स्टूडेंट हैं वो फिलहाल गेट के अंदर ही यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर अपनी मांगों को रख रहे हैं। मार्च फॉर मेवात जामिया टू हरियाणा भवन के नाम से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो एक मार्च निकाल रहे हैं और इनका कहना है कि जो नू में हिंसा हुई उसमें जो भी घर बुलडोजर के जरिए गिराए गए उनको दोबारा बनाया जाए, जितनी एफआईआर गलत तरीके से हुई है निर्दोषों पे हुई है उनको हटाया जाए और साथ ही जो इनोसेंट यानी निर्दोष मुस्लिम्स हैं उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे। इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद 28 अगस्त को नू में शोभा यात्रा निकाल रही है उस शोभा यात्रा को भी रोका जाए और साथ में मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। ये तमाम मांग लेकर के जो जामिया के स्टूडेंट हैं और इसके अलावा कुछ दूसरे स्टूडेंट यूनियन जिनमें की SFI, आईसा और इसके अलावा मेवात स्टूडेंट यूनियन, SFP और SIO हैं, ये कई जो स्टूडेंट संगठन मिलकर के आप देखिए यहाँ पर मार्च निकाल रहे थे लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद देख सकते हैं कि कैंपस के अंदर ही जो तमाम छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, जो गेट है उसको पूरी तरीके से कैंपस के बंद कर दिया गया, जो स्टूडेंट हैं वो इस वक्त गेट के अंदर ही अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर कर रहे हैं और सामने देखेंगे तो पूरी तरीके से बैरिकेड लगाकर जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया है, शांति व्यवस्था कायम रहा इसको लेकर के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और फिलहाल जामिया के अंदर जो कि प्रोटेस्ट यहाँ जामिया से निकल के हरियाणा भवन तक जाना था उसको फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो जामिया कैंपस के अंदर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, TV।